गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू वन एसएमईज गाइस चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं जैसे जितना जगह घूमता हूँ, जहाँ पे भी रहता हूँ, उस होम स्टे या तो उस होटल का, उस लॉज का मैं वीडियो बनाता हूँ। आज मैं हूँ योक्सम सिक्किम में। ये एकदम ईस्ट नहीं, ये है वेस्ट ऑफ सिक्किम में है। और यहाँ से आपका कंचनजंगा के लिए जाते हैं, मगर एक जगह तक जाते हैं, फिर गोयचला ट्रैक करते हैं, फिर जोंगरीला ट्रैक करते हैं। दिस इज़ द ये लास्ट विलेज है जहाँ तक आप लोग गाड़ी में आ सकते हो, वहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। तो आज इन दिनों में जिस होम स्टे में रुका हुआ था, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो आप लोगों को आज जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ, उस होम स्टे के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा और फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ताकि आप लोग कभी भी योक्सम आते हो, यहाँ पे आप लोग रह सकते हो पहले ही फ़ोन करके। तो मैं आपको सबसे पहले मिलाना चाहता हूँ हमारे होमस्टे का जो ओनर है, नाम आप खुद ही बताइए, थोड़ा सामने आना ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। नाम आप खुद बता दीजिए। मेरा नाम है नॉर्दर्न लेपचा। नॉर्दर्न लेपचा, और आपका होमस्टे का नाम बता दीजिए। होमस्टे का नाम है सोनम जंगपो होमस्टे। सोनम जंगपो होमस्टे। सोनम इज इज वाइफ्स नेम, जंगपो इज इज सन्स नेम। सन्स का वीडियो थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दुकान में क्या खरीदेगा? पटाखा खरीदेगा। यस, कौन कौन जा रहा है? ये और ये कौन है? इसका नाम क्या है? स्वीटू। स्वीटू भी आ रहा है? हाँ स्वीटू, अच्छा ओके। नाउ आपको इस होम स्टे का पूरा एक बाहर से लुक दिखाते हैं, उसके बाद इसमें पूरा एंट्री करेंगे। एंट्री करने के टाइम आप लोगों को दिखाते जाएंगे कैसे कहाँ पे क्या है, पार्किंग क्या है। पार्किंग यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर लाके इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए ना, पार्किंग के लिए आप लोगों को यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे तो यहाँ पे आप पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आके यहाँ पे कहीं पे भी आप पार्क कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे यहाँ से एंटर करोगे, एंटर करते ही आप लोगों का गेस्ट हाउस, ये होमस्टे, होमस्टे का अंदर लेके चलते आइए, यहाँ पे जाइए। तो दिस इज द रिसेप्शन। ये होमस्टे अभी बहुत नया बन रहा है, तो इसलिए ये रिसेप्शन अभी बन रहा है। अभी बहुत कुछ सेटअप करना है, बट यहाँ पे ऑल सब कुछ फैसिलिटीज है, आपको यहाँ पे रुक के कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहेगा। और ये पेट फ्रेंडली है, बेला के साथ बहुत ही, बेला बहुत अच्छी तरह यहाँ पे रही है। मैं कुछ फुटेजेस आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पे बेला अपने यहाँ पे मतलब बहुत मस्त तरीके से उड़की है। अभी बेला देखिए बाहर वो घूम रही है, वो वहाँ पे देखिए बेला बिल्कुल मस्त अभी चला गया वहाँ से, कोई नहीं। ओके, तो आप लोगों को रूम दिखाते हैं। ये एक डबल बेड वाला रूम है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्पेशियस है। थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ब्राइट होने से वीडियो भी अच्छा आएगा। तो देखिए रूम कितना स्पेशियस है, डबल बेड है, डबल बेड तो है, यहाँ पे तीन आदमी भी एडजस्ट हो जाता है। पर प्राइसेस यहाँ पर आदमी के हिसाब से लगाया जाता है, ना कि रूम के हिसाब से। तो रूम काफी स्पेशियस है, आप लोगों ने देख लिया। बाथरूम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाथरूम तो बिना बाथरूम के लेडीज लोग तो आते ही नहीं है। दिखा रहे थे बाथरूम, देखिए बाथरूम पूरा टाइल से भरा हुआ, पूरा साफ है, यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है इस तरह से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सभी चाहते हैं, वो है गीजर। गीजर भी लगा हुआ है, गर्म पानी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं। नाउ आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जितने भी रूम्स हैं सब एक ही तरह का है, आप लोग को ऊपर लेके चलते हैं। ये एक स्पेयर बाथरूम है यहाँ पे। ओके, ये है डाइनिंग रूम, आप लोग दिखा रहे हैं। तो ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम में आप लोग आराम से, यहाँ पे देखिए लोग हिल्स में ना बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि डिनर बहुत जल्दी किया जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के साथ, जब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को डिनर करना है 10 बजे या तो 9:30 बजे, वो भैया खुद ला के हॉट केस में यहाँ पे पैक करके रख देते थे और हम लोग आराम से खाते थे। तो डिनर यू कैन हैव इट एनी टाइम, इतना ज़्यादा लेट भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लोग सो जाते हैं। चलो दिखाते हैं और कुछ, फ्रिज भी लगा हुआ है, आप लोग फ्रिज पे भी कुछ रख सकते हो अगर आप समर्स के टाइम भी आ रहे हो। पूरा वुडन लगा हुआ है, फ्लोर चेयर्स
तो यहाँ पे रूम्स है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, छोटा सा यहाँ पे एक स्पेस है। चलो ये इस रूम को, ये छोटे छोटे रूम्स है, मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा वाला रूम दिखा रहा हूँ। ये अभी क्योंकि यहाँ पे लोग रुके हुए हैं इसीलिए ये दिखाऊंगा नहीं, दिखा नहीं पाऊंगा। ये बिल्कुल बरांडा है, आप लोग बैल्कनी में आके बैठ सकते हो। हमने वो वाला रूम ऑक्यूपाई किया था, उस रूम पे हम लोगों ने कंटिन्यूसली कितना यहाँ पे 5 दिन रुके, क्योंकि मेरा पैर में थोड़ा सा इंजरी था, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा बैल्कनी हम लोगों ने ही ऑक्यूपाई करके रखा था। बेला भी यहाँ पे आराम से खेल रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। आपको रूम दिखाते अच्छा होगा। ये देखिए ऊपर आओगे, ये सिंगल पर्सन वाला रूम है। देखिए सिंगल पर्सन रूम है, अगर आप डबल रहना चाहते हो, ट्रिपल रहना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पैसा तो यहाँ पे आपको पर्सन के हिसाब से ही देना पड़ेगा। कितना प्राइस है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फोन नंबर वो नंबर भी डिटेल्स दूंगा। इस रूम का बाथरूम यहाँ पे है, बाथरूम सब साफ सुंदर है, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए गीजर लगा हुआ है, तो इसका टेंशन नहीं। तो हम लोग का रूम अभी थोड़ा सा, कोई नहीं अंदर है अभी, क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे हैं, तो सामान थोड़ा सा यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, तो इसको और मेरा खाना भी अभी देखिए भैया ने हॉटकेस पे ला के रख दिया है, ताकि मैं थोड़ी देर में खाऊंगा और यहाँ से हम लोग आज निकल जाएंगे। हमारा बाथरूम यहाँ पे है, वो वाला जो रूम आप लोगों को दिखाया था उस रूम का बाथरूम साइड पे ही लगा हुआ है, तो ये वाला सेपरेट बाथरूम ही है इनका, तो कोई टेंशन नहीं, खाली यहाँ से बाहर निकल के आपको बाथरूम आना है। तो ये सेटअप है। अभी वन लास्ट थिंग मैं दाई से पूछना चाहूँगा, ये मेरा फ्रेंड है गौतम, इस होमस्टे में हम लोग का, तुम्हारा कुछ रिव्यू बताओ इस होमस्टे में। इट्स अ वेरी एनिमल पीपल्स फ्रेंडली होमस्टे, भाई अपना बहुत अच्छा है, एंड खाना भी होम कुक फूड ऑर्गेनिक, यहीं पे उगता है सब कुछ, यहीं से अपने वेजिटेबल गार्डन से आके किचन में कुक होता है। इट्स अ वेरी पीसफुल और बहुत सही है, पीपल आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय योर स्टे, वी एंजॉयड अ लॉट आवर स्टे हियर। तो गाइज खाली एक चीज, मैं अभी दादा का ना, दादा नहीं एक्चुअली मेरे से एक साल छोटा है, तो मैं ही दादा हूँ, तो आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए और मैं प्राइसेस के बारे में आपको पूछूंगा कि कितना दाम आप लेते हो। ये तो हम कुछ टाइम तक रुके यहाँ पे, क्योंकि मेरा पैर खराब था, तो मेरा भैया ने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया था, हमारा प्यार से वो पिघल गए। वैसे भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स हैं तो बनता है। एनीवे आप अपना फ़ोन नंबर पहले बताइए। मेरा फ़ोन नंबर है 9733099128, और उसमें व्हाट्सअप भी है, और उसमें इंस्टाग्राम भी है, और दूसरा नंबर है 9732976732। इंस्टाग्राम है किस नाम पे? सोनम जांगपो। सोनम जांगपो, मैं टैग कर दूंगा, डिटेल्स भी आपको नीचे दे दूंगा। एंड आप प्राइसेस क्या रखते हो? प्राइसेस हम लोग सीजन में जो उठाता है वो एक आदमी का 1200 करके, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट 1200 करके, जी सर। विद ऑन सीजन, अभी हम लोग का सीजन है या ऑफ सीजन? अभी ऑफ सीजन लग गया सर। ऑफ सीजन है, हम लोग को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हम फ्रेंकली बता देते हैं, जो है वो बता देगा। देखा हमको 500 रुपये करके मिला पर पर्सन, और खाना अलग से। ऑब्वियसली हम लोग रात को नॉन वेज आइटम खा रहे थे, और सुबह हम लोग पूरी और सब्जी का ब्रेकफास्ट ले रहे थे, तो हम लोग को ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पड़ा। इसे और 1200-200 रुपये हमने कम कर दिया, और बाद हम लोग कुछ एक्सटेंड कर दिया स्टे, तो हम लोग को थोड़ा और कम कर दिया था। तो आपको प्राइसेस के बारे में पता चल गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है उस वो दिखा दिया, रूम्स दिखा दिया, होमस्टे ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया, बाहर से एक बार व्यू दिखाएंगे, और यहाँ पे आपका बॉनफायर एरिया जो है वो भी दिखाएंगे। अगर आपको कुछ बनाना है, सपोज किसी को कुछ बनाना है यहाँ पे अपना हिसाब से, तो वो बना सकते हैं, वो ही बना सकते। मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि कल हमारे भाई साहब ने बनाया था। क्या बनाया था नहीं बनाया नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ऑफेंड भी हो सकता है, बट हाँ बनाया था, नॉन वेज पकाया था, नॉन वेज पकाया था, अच्छी तरह खाया हम लोगों ने, थोड़ा सा बॉनफायर आपको वो दिखाते। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जोंगपा भैया, सॉरी नॉर्डन भैया का अभी यहाँ पे वाईफाई सेटअप नहीं हुआ है, बट इन विद इन 1 or 2 months वाईफाई लग जाएगा, और आपको वाईफाई भी मिलेगा। वैसे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, मेरा वोडाफोन का, इनका, इसका जियो है, एयरटेल है, सबका 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क चल रहा है, इसका कोई टेंशन नहीं है। सो आप लोग यहाँ पे बिंदास आके रह सकते हो, प्राइसेस पता चल गया। खाली मैं आपको एक बार
यहाँ का बॉनफायर एरिया दिखा दूंगा और थोड़ा सा आस पड़ोस का जो माहौल है वो दिखा के इस वीडियो को रैप कर दूंगा। मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देता हूँ। सो इफ़ यू गाइस कम टू योक्सम यू कैन स्टे हियर, इट्स चीप, इज रीजनेबल एंड मालिक तो हम लोग का दोस्त ही बन गया। एंड क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ इसीलिए थोड़ा सा मुझे बहुत सारा डिस्काउंट भी मिला है। एंड आई वुड लाइक टू से दैट बेला ना यहाँ पे क्योंकि जिस टाइम पे मेरा पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो इसको मैं खुला नहीं छोड़ता हूँ तब, क्योंकि कहीं भी भाग जाएगी फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा इसको लाने के लिए। सो बेला का ये है कि सीन अभी यहाँ पे खुला छोड़ता हूँ ना ये दूर नहीं जाता है, बिकॉज उस वाले होम स्टे में भी देखिए 3-4 डॉग्स हैं तो ये थोड़ा सा टेरिटोरियल इन लोग का पंगा है। तो बेला को यहाँ पे छोड़ता हूँ अपनी तरफ, मतलब पूरा यहाँ पे खेलती है और कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कहीं दूर चले जाने से भी वो यहीं पे रहती है। सो यस आई विल रिकमेंड सोनम जांगपो होम स्टे। एंड बोरा वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द होम स्टे जस्ट इन फ्यू वर्ड्स? फैंटास्टिक फूड, फूड इज गुड एनीवेयर इन द रेस्टोरेंट्स ओवर हियर। रेस्टोरेंट में भी हाँ इतना आंटी बहुत सही खाना बनाती है। अभी भैया हम लोगों के लिए वहाँ पे सस्ता एंड टिकाऊ एंड स्वादिष्ट और टिकाऊ और भैया वहाँ पे अभी हम लोगों के लिए पूरी आलू बना रहा है। सो यस जस्ट अनदर टू डेज एंड वी विल वर्क फ्रॉम हियर एंड बेला इज ऑल्सो हैप्पी एंड यस आई एम स्लोली रिकवरिंग, नॉट शोइंग माई फेस बिकॉज मॉर्निंग उठाए बहुत ख़राब होकर रखा है यार।